अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका अपना ब्लॉगर हमजा जी। आज एक और ब्लॉग के साथ हाजिर हूं और आज जो है वो मैं कुछ आपके साथ चीज़ें भी डिस्कस करूंगा, शेयर करूंगा। इस वीडियो में कुछ नई अपडेट्स हैं स्पेशली जेल ब्लॉग के हवाले से, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उन लोगों के लिए जी बहुत ही अच्छी खबर है जो जिनके प्लॉट्स जेल ब्लॉक में हैं, और उनके लिए जी खबर ये है कि उससे पहले जी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ जो है वो देखने को मिले, और जो भी नई वीडियो मेरी आए वो आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाए, पता लग जाए मेरी वीडियो का। जे ब्लॉग के हवाले से जी मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जे ब्लॉग में जी काम स्टार्ट हो गया, और लोकेशन इंशाल्लाह मैं आपको जल्द इसकी दिखाऊंगा। और इसमें जो है सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिन लोगों के ड्यूज़ रहते हैं, जो लोग जो है अभी अपने जिन्होंने ड्यूज़ क्लियर नहीं किए हैं, उनसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ अपने ड्यूज़ क्लियर कर लें एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि अभी सोसाइटी कुछ इस तरह से काम कर रही है कि कह रही है कि अपने ड्यूज़ क्लियर करें और अपना सरचार्ज वेव ऑफ करवा लें, ताकि सोसाइटी जो है, देखें आप लोग ड्यूज़ नहीं देंगे तो सोसाइटी जो है वो काम किस तरह करेगी। और बहुत से लोग इस तरह के हैं जिनकी अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो डाउन पेमेंट जमा है, और बाकी जो है वो कोई ना इंस्टॉलमेंट गई है ना ही कोई और चीज़ जो है सोसाइटी के पास जमा है। तो सोसाइटी किस तरह काम करेगी जी? आप लोग जो है वो सबसे पहले अपने ड्यूज़ क्लियर करें, और ताकि आप लोगों को जो है वो पहले प्लॉट दिया जाए। सेकेंडली जी, सरचार्ज अपना जो है वो वेव ऑफ करवा लें। सोसाइटी ने जो है वो ये रखा हुआ है अभी कि आप अपने ऑल ड्यूज़ क्लियर करें, सारे ड्यूज़ दें ताकि आपका सरचार्ज वेव ऑफ कर दे, वरना जिन लोगों को पोजीशन मिल गई है उनका बहुत इशू आ रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सरचार्ज उन लोगों का लगा हुआ है, क्योंकि बहुत देखे 3 सालों से आप लोगों ने ड्यूज़ जमा नहीं करवाए हैं, कुछ भी नहीं जमा करवाया, सोसाइटी ने जो उसके ऊपर सरचार्ज वगैरह लगाया है वो तो देखिए, सोसाइटी कहीं भी आप जाएँ तो लगता है सरचार्ज। तो अभी अच्छा मौका है जी जे ब्लॉक वालों के लिए कि वो अपनी पेमेंट सारी जो है वो जमा करवाएँ। और देखिए इसमें होता क्या है, मैं अब आपको एक चीज़ समझाता हूँ। सोसाइटी की पॉलिसी, आप जैसे साथ साथ अपनी जो है वो इंस्टॉलमेंट्स देते हैं, अपने ड्यूज़ क्लियर करते हैं, सोसाइटी के लिए उतना ज़्यादा आसान हो जाता है काम करना, और वो आसानी से जो है वो काम कर पाती है और काम करके आपको डिलीवर कर पाती है। तो अब लोग क्या करते हैं जी यहाँ पर कि डाउन पेमेंट जमा करा देते हैं और बाकी पैसे फिर सोसाइटी को देते नहीं हैं, तो सोसाइटी के पास पैसे नहीं जाएंगे तो वो काम किस तरह करेगी? और फिर शोर भी करते हैं कि जी हमें पोजीशन नहीं मिला, हमें पोजीशन नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो अभी सोसाइटी ने जी एक लास्ट चांस दिया है उन लोगों को जिनके ड्यूज़ क्लियर नहीं है, वो जे ब्लॉक में अपने ड्यूज़ क्लियर करें और इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 months उनको जो है वो पोजीशन मिलेगा। जैसा कि लीम खान साहब ने कहा कि 2022 में हम डिलीवर करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है कि अभी जो है वो इनको डिलीवर करने लगे हैं जे ब्लॉक। और थोड़ा सा ये है कि जे ब्लॉक जहां पहले मेंशन किया गया था एच ब्लॉक के साथ, वहां से उसकी लोकेशन थोड़ी सी इन्होंने चेंज कर दी है और उसको थोड़ा साइड पे कर दिया है। तो लेकिन बहरहाल ये है कि वो भी बुरी लोकेशन नहीं है, बहुत ही अच्छी लोकेशन है। और आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि जी इंशाल्लाह आप लोग भी जल्दी जल्दी अपने ड्यूज़ क्लियर करेंगे ताकि आपका जो है वो सरचार्ज वेव ऑफ हो सके। अच्छा, कुछ और चीज़ें जी मैं आपको बताता चलूँ पार व्यू के बारे में कि पार व्यू इस टाइम जी मेन स्ट्रीम पर है ये सोसाइटी, और सबसे ज़्यादा जिसकी प्रमोशन हो रही है और जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट है वो पारव्यू सिटी है। यहाँ पे जी आप देखें इनका कमर्शियल बेहतरीन किस्म का कमर्शियल है, और कमर्शियल से जी मुझे याद आया कि हमारा जो कमर्शियल बन रहा है डाउनटाउन बिजनेस सेंटर के नाम से, उसका 5वां स्लैब पड़ चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही स्पीड से काम जारी है और लोगों का उस पर रिस्पॉन्स भी अच्छा है। यहाँ पर जी जितनी सफाई से और जितनी खूबसूरती से हम लोग इस कमर्शियल की जो है वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यहाँ की मैनेजमेंट ख़ुद हमें आके जो है अप्रिशिएट करती है और कहती है कि जी सबसे ज़्यादा अच्छा और सफाई से काम आप लोगों का हो रहा है। तो यहाँ पे जो है अभी हमारे रेट रिवाइज़ हो चुके हैं, और जिन लोगों का इंटरेस्ट है लेने में इसमें अभी भी जी टाइम है, यहाँ पर आएँ और आके जो है वो इन्वेस्टमेंट करें कमर्शियल में,
बहुत ही अच्छा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जी, अभी बेस्ट टाइम है यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये डे बाय डे जो है वो प्राइजेज इंक्रीज़ होती जा रही हैं। जैसे जैसे लोगों का यहाँ पे रुझान बनता जा रहा है, यहाँ पे प्राइजेज डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही हैं। और जो अब आप खुद देख लें कि जो 5 मरले का प्लॉट है वो इस टाइम आपको जो है ना वो 70 के राउंड अबाउट मिलता है, 70 से 75 के उसमें सर्कल में मिलता है, इससे कम नहीं मिल रहा कोई भी। जिस तरह हम एच ब्लॉक ले लेते हैं और ए ब्लॉक ले लेते हैं, बी ब्लॉक ले लेते हैं, एफ़ में भी जो है वो अब कीमतें बहुत ऊपर गई हैं, 65 प्लस में ही प्लॉट मिलता है आपको, इससे कम में नहीं मिल रहा है, कोई भी मार्केट में प्लॉट अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से जो है वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पर आ रहा है और डे बाई डे प्राइजेज इंक्रीज़ कर रही हैं। कुछ टाइम के बाद जी अगर हम कंपैरिजन करें ना इसको, जैसे कि मैंने ये कंपैरिजन किया कि जो है वो फेज़ 8 का देख लें आप, और फेज़ 8 से हम अगर कंपैरिजन करते हैं पार्कव्यू सिटी का, तो फेज़ 8 पिंडी के एक कोने में जाके आता है और वहाँ से रवात वगैरह ये जगह करीब है, सदर करीब है, तो वो एक पिंडी के कोने में जाके जगह आती है और वहाँ पर जो है तकरीबन इस टाइम एम ब्लॉक या बाकी इनमें देख लें तो 65 प्लस में ही आपको, यानी कि 65-70 में ही आपको 5 मरले का प्लॉट मिलता है। तो अगर आप अब देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है वो 70-75 में आपको प्लॉट मिलता है। तो अगर इन दोनों को कंपैरिजन करें तो पार्कव्यू की लोकेशन जो है वो एम ब्लॉक के निस्बतन बहुत ही अच्छी है, जो फेज़ 8 है वहाँ की निस्बतन बहुत अच्छी है, ये इस्लामाबाद के हब में ऑलमोस्ट आ जाती है जगह, यहाँ से आपको हर जगह करीब है। तो जो इस्लामाबाद डेफिनेटली जो यहाँ रहते हैं उनको पता है कि पिंडी क्या है और इस्लामाबाद क्या है, दोनों में जो है वो कितना फ़र्क है। साथ ही साथ जी एक और चीज़ आपको मैं बताऊं कि अब यहाँ पे प्राइजेस जो है ना वो इंक्रीज़ कर रही हैं। और पार्कव्यू सिटी जी एक और चीज़ मैं आपको इसकी बताता चलूँ कि वाहिद जगह है जहाँ अभी तक इंस्टॉलमेंट्स अवेलेबल हैं, आप इंस्टॉलमेंट पर चीज़ ले सकते हैं और पार्कव्यू जो है वो डिलीवर करता है। बाकी सोसाइटीज़ देख लें जो चक्री पे बन रही हैं या इधर उधर बन रही हैं, उनमें आपको डाउट ही रहता है कि पता नहीं यार ये डिलीवर करते हैं या नहीं करते, इतना लंबा पेमेंट प्लान है। तो बहरहाल हाँ, कुछ लोगों के लिए वो भी एक अच्छा ऑप्शन है वहाँ पे भी कि वो प्लॉट लें और इस नीयत से लें कि जी आगे हमारे बच्चों के काम आएगा, तो डेफिनेटली वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अभी अगर हम पार्कव्यू की बात करें तो पार्कव्यू जी इस टाइम जो है ना वो सबका सबसे फेवरेट सोसाइटी बनी हुई है, हर बंदे की ख्वाहिश है कि यहाँ पे जो है ना उसका प्लॉट हो। तो अल्लाह पाक जी सब के लिए अच्छा करे और सबको जो है वो यहाँ पे प्लॉट दे। तो बाकी के जो लोग थे थोड़े से कॉन्शियस थे अपने ब्लॉक्स को लेके, प्लॉट्स को लेके, इंशाल्लाह उनको भी सबको डिलीवरियाँ हो रही हैं जी और बहुत ही जल्द इन सबको डिलीवरी होगी। बस आप कोशिश करें कि अपने ड्यूज़ जो है वो साथ साथ क्लियर कर दिया करें ताकि सोसाइटी को आसानी हो और वो जो है टाइम पे काम कर सके। इसके साथ साथ जी अपने कमर्शियल की तरफ मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि कमर्शियल में जो है वो अभी रेट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए हैं, क्योंकि एक ही कमर्शियल है यहाँ पे और बड़ा कमर्शियल है। इसको जिस तरह से कहते हैं कि डाउनटाउन जो है वो हार्ट ऑफ इस्लामाबाद है, ठीक है, यहाँ पे सारा कुछ आपको मिलेगा, जिस तरह इस्लामाबाद में जो चीज़ें कमी हैं जिन जिन चीज़ों की, वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगी इस डाउनटाउन में। मॉल्स बन रहे हैं जी, बड़े बड़े जो हैं वो हाई राइज बिल्डिंग्स होंगी यहाँ पे, उसके अलावा और 100 कनाल की जो दरमियान में लेक बन रही है वो मेन अट्रैक्शन है इसकी। तो अब तो माशाल्लाह हमारा कमर्शियल भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, बन गया है, और हमारी कोशिश है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल इसकी डिलीवरी दें ताकि लोग जो है वो आएँ और यहाँ पे आगे अपने कारोबार कर सकें। जिन लोगों जो लोग अपार्टमेंट्स में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे पास 1 बेड और 2 बेड के भी यहाँ पे अपार्टमेंट हैं, शॉप्स अवेलेबल हैं, ऑफिसेज़ अवेलेबल हैं, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि जो ग्राउंड फ्लोर है उसके ऊपर किसी बैंक वगैरह को दे दें ताकि यहाँ पे, क्योंकि डेफिनेटली बैंक्स आएंगे और हम लोग यहाँ पे एक और काम भी कर रहे हैं अपने इस प्लाजे में कि हम लोग जो हैं वो हाफ फ्लोर और फुल फ्लोर भी देने में इंटरेस्टेड हैं, हम लोग वो भी दे सकते हैं आपको। अगर किसी का इंटरेस्ट है कि जी हमें हाफ फ्लोर चाहिए, जैसे किसी बड़े ऑफिस के लिए चाहिए या बैंक के लिए चाहिए या इस तरह से किसी चीज़ के लिए चाहिए, तो उसकी भी अवेलेबिलिटी है, हम वो भी जो है वो दे रहे हैं। तो आई होप जी इस वीडियो से काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी
आज मैंने इतना पार्व्यू का विज़िट नहीं करवाया, सिर्फ जो है आप लोगों से गपशप की है थोड़ी सी, और आई होप आप लोगों को जो है वो पसंद आई होगी वीडियो, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरा नंबर जो स्क्रीन पे है आपकी, मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जो लोग व्हाट्सएप करते हैं उनको बखूबी पता होगा कि मैं एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है वो रिप्लाई दे देता हूँ। कभी थोड़ा सा हो जाता है लेट, लेकिन डेफिनेटली मेरी कोशिश होती है जितना जल्दी मैं जो है वो आप लोगों को रिप्लाई दे सकूँ, ताकि आप लोग मेरे से ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। किसी किस्म की भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, मेरी हेल्प आउट चाहिए यहाँ पे पार्व्यू सिटी में, आई एम ऑलवेज़ देयर फॉर यू। आप जब दिल करे मुझे एक मैसेज छोड़ दें, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर एज सून एज़ पॉसिबल जो है वो रिप्लाई कर दूँगा। तो आज का वीडियो जी इतना ही था, उम्मीद है जी आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, ताकि नई वीडियोस जो है वो उनका आपको पता लगता रहे साथ साथ। और लाइक कर दिया करें वीडियो को अगर वीडियो पसंद आए तो, और साथ शेयर कर दिया करें, कमेंट्स कर दिया करें लाजमी जी, ताकि मुझे आपका फीडबैक मिलता रहे कि आया मैं जो वीडियोस आप लोगों के लिए बना रहा हूँ वो आपके लिए मुफीद हैं, इंफॉर्मेटिव हैं या नहीं हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।